दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के फोटोशॉप के वीडियो में व्यू मेनू में आगे बढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यू मेनू में पिछले वीडियो में मैंने पैटर्न प्रीव्यू तक समझाया था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्क्रीन मोड। तो स्क्रीन मोड आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी ले सकते हैं स्क्रीन मोड। जैसे स्क्रीन मोड में देखिए फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार, जैसे ही क्लिक करोगे फुल स्क्रीन मोड हो गया, ओके, मेन्यू बार के साथ। उसके बाद आता है फुल स्क्रीन मोड, जैसे ओके करोगे फुल स्क्रीन मोड, उससे अब एग्जिट करना है फुल स्क्रीन मोड, ऐसे हो जाए एफ को प्रेस करें या एस्केप को प्रेस करें, ठीक है। एफ से ये शॉर्टकट है, ये देखिए ये मेन्यू बार के साथ ये फुल स्क्रीन, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रास। तो एक्स्ट्रास क्या है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये सभी आ जाएंगे मेरे पास, ग्रिड आ गई, लाइन आ गई, तो लेकिन ये है क्या, इसको एक्स्ट्रा कॉपी में ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ से देखिए शो हमें क्या करवाना है, लेयर एजेस शो करना है, ठीक है, क्या जो भी शो करवाना है आप करवा सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसमें तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल से मैं यहाँ से प्लेस एम्बेड से इमेज ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पैरट इसकी ले लेता हूँ, ओके। अब यहाँ से ले लेता हूँ, ओके। अब इमेज लेने के बाद अब देखिए इसको एंटर, ठीक है, तो देखे अब ब्लू लाइन आ गई इसकी बॉर्डर पे, तो उसको एज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 100 लेयर एज है उसको निकाल दूं, अगर यहाँ पे लेयर की जो एज है वो आपको डिस्प्ले कर देगी, ठीक है, अगर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो मेरी इमेज तो व्हाइट शो कर देगी, ठीक है। ये देख लेयर एज है, इसको मैं जैसे ऑन करता हूँ एज को शो कर देगा, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए से मैं यहाँ पे व्यू में जाके शो पे लेयर एज ग्रिड है, जिसे ग्रिड पे क्लिक करूंगा तो आपकी जो इमेज की ग्रिड है उसको ये शो कर देगा, ठीक है। ग्रिड को शो कर सकते हैं हम, स्मार्ट गाइड को भी हम शो कर, स्लाइस का अभी जमाना नहीं रहे, स्लाइस को छोड़ दीजिए, ठीक है। स्मार्ट गाइड क्या है चलिए देखते हैं। तो पहले तो ग्रिड को भी ऑफ कर देता हूँ, शो को एक्स्ट्रा में ग्रिड को मैं अभी निकाल देता हूँ, ठीक है। देखिए कि जैसे ही यहाँ पे स्लाइस यहाँ पे दिख रही है तो स्लाइस को भी निकाल देते हैं व्यू में, ओके, नन कर देते हैं पहले। अब स्मार्ट क्या है कि जैसे ही मैं एक और इमेज लेता हूँ, प्लेस एम्बेड करके एक और इमेज ले लेता हूँ, उसको मैं शॉर्ट कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे दोनों इमेज को एक ही दिशा में रखना है, मान लीजिए उसका मुझे सेम ही रखना है इसको, ठीक है, तो मैं कैसे करूँ, ये देखिए इसको क्लिक करके मैं ऐसे रखता हूँ, जो ये पैरेट वाली इमेज है उसके सेंटर में ये मुझे चाहिए, तो मैं कैसे रखूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर में आ गई है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा स्मार्ट गाइड को, ठीक है। स्मार्ट गाइड को ऑन करते अब जैसे मैं इसको मूव करूंगा, ये देखिए दिख रहे, ये देखिए ये आ गई है, अब देखिए, ठीक है, जैसे ये सेंटर में, ओके, ये सेंटर में आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको रोक सकता हूँ सेंटर में, यहाँ से भी मेरे भी सेंटर, ये देखिए जो ये पिंक लाइन आ रही थी वो थी स्मार्ट गाइड, ओके। स्मार्ट गाइड को मैं आपको यही कहूंगा कि ऑन ही रखना है आपको, स्मार्ट गाइड को कभी ऑफ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है पिक्सल ग्रिड जैसे क्रिएट कर देंगे, ये देखिए आपकी ये जो ये एज है वो भी दिख जाएगी पिक्सल ग्रिड के साथ, ठीक है, ये देखिए, ओके। अब यहाँ से अभी कर देते हैं नन, स्मार्ट गाइड को ऑन कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो व्यू में आगे बढ़ते हैं रूलर, जैसे रूलर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ये देख सकते हैं आप रूलर आ चुकी है, इसका कंट्रोल आर से आप हाइट शो करवा सकते हो रूलर को, ओके, थोड़ी सी स्मॉल कर, अब देखिए ये रूलर आ चुकी है, ठीक है, रूलर को ऑन ही रहने दीजिए। उसके बाद आता है स्नैप टू, मान लीजिए स्नैप टू का मतलब क्या है, जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसी इमेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए ये इससे चिपक नहीं रही है, देखिए ये बीच के पास जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही सेट हो जाती है, चिपक जाती है, तो ये सब ये ऑन नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे स्नैप को ऑन रखना है और यहाँ से जैसे लूंगा ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ऐसे ही स्मार्ट गाइड में, ठीक है, ऐसे देखिए चिपक जाती है अपने आप ही, उसको अलाइन उसको सेट कर लेता है इसकी, ये देखिए, ठीक है।
स्नैप कौन रखना है, स्नैप टू कहां पे आपको रखना है, गाइड पे रखना है, ग्रिड पे, लेयर पे, ठीक है, जिस पे आप रखना चाहो आप रख सकते हो, स्लाइस का तो जमाना नहीं है, डॉक्यूमेंट बाउंड से रख सकते हो, ठीक है। स्नैप टू कहां पे ऐसे रखना है, आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। मान लीजिए मैं गाइड ले लेता हूँ, न्यू गाइड, गाइड के ऑप्शन में आता है न्यू गाइड, तो गाइड में आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ से कलर जो भी सेट करना है कर सकते हो आप, ओके सर। गाइड की पोजीशन, गाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आप देख सकते हो, देखना जो भी आपके फोटो है उसको ऑनलाइन को दिखाना है कि आपको यहाँ तक फोटो है, आपका लेयर जो भी है वो यहाँ तक है, ओके, तो उसको गाइड बोल सकते हैं। तो देखिए गाइड का न्यू गाइड ले लीजिए आप, ठीक है, और जैसे ही ओरिजेंटली वर्टिकली जहाँ पे आप पोजिशन दे सकते हैं, 10 इंच में दे देता हूँ, ये देखिए गाइड यहाँ पे आ जाएगी, इसको ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो। दूसरे गाइड चाहिए तो वहां से भी आप ऐसे ही ले सकते हैं, यहाँ से चाहिए आपको तो यहाँ से ले लीजिए, देखिए गाइड चिपक रही है, ऐसे सेट हो रही है अपने आप ही, ठीक है, हमारे चिल्ड्रन वाले लेयर में, ओके। ये देखिए नई गाइड चाहिए तो यहाँ से ऐसे ही खींच सकते हैं। तो सिलेक्टेड गाइड है जो भी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू लाइन आ गई, तो सिलेक्टेड गाइड है उस पर आप जो भी करना चाहो एडिट कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो, क्लियर गाइड कर सकते हो, क्लियर सिलेक्टेड गाइड को निकाल सकते हो, ठीक है। एडिट सिलेक्टेड गाइड करिए तो आपको यहाँ से कलर जो भी चेंज करवाना आप कर सकते हो, ये ठीक है, ऐसे मैं ये कर देता हूँ, चलो उस गाइड का कलर चेंज कर सकते हो, ओके, सिलेक्टेड गाइड का, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे व्यू में, और उसके बाद आता है क्लियर गाइड, लॉक गाइड, लॉक गाइड करने के बाद दुनिया में यहाँ से इसको हिला नहीं पाऊंगा, ठीक है, वहां से मैं इसको हिला नहीं सकता, गाइड को मूव नहीं करवा सकता। उसके बाद ये देखिए गाइड में लॉक है, मैंने लॉक हटा दिया, अभी इस गाइड को भी हटा सकता हूँ, देखिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद व्यू में जाते हैं, फिर से गाइड में क्लियर गाइड कर दीजिए, सभी गाइड निकल जाएगी, ठीक है। सभी में आपको स्मार्ट गाइड तो ऑन ही रखना है, देखिए जैसे इसमें स्मार्ट गाइड ऑन है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं है ना, ये देखिए, ये देखिए, ओके, अब ये हो गया, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें भी आपको स्मार्ट गाइड को ऑन ही रखना है, ठीक है, स्मार्ट गाइड को ऑन ही रखना है, ओके। अब मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से व्यू में जाते हैं, व्यू में जाते हैं, गाइड, न्यू गाइड, न्यू गाइड लेआउट, जिसे न्यू गाइड लेआउट करोगे आपको ये डिफॉल्ट है, वहां से देख जाएगी 8 कॉलम में आपको गाइड चाहिए, 12 में चाहिए, ठीक है, 16 में चाहिए, या 24 में चाहिए, ये देखिए, ये आपकी गाइड यहाँ से आ सकती है, उसकी गाइड का कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ओके। कॉलम में कितनी गाइड चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए कॉलम चाहिए, कॉलम में मुझे 5 चाहिए गाइड, ठीक है, रो भी चाहिए मुझे, रो में चाहिए मुझे 3 चाहिए, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, गाइड में मार्जिन भी आप रख सकते हैं उसके बाहर जगह, ठीक है, ये देखिए टॉप में, ठीक है, मैं यहाँ पे लेफ्ट में रख देता हूँ 25, ये देखिए, ओके। सेंटर कॉलम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, सेंटर कॉलम से, ठीक है, क्लियर एग्जिस्टिंग गाइड है वो उसको हटा सकते हैं अगर हो तो, ठीक है, सभी ऐसे कर सकते हो, ओके कर दीजिए, ये गाइड आ गई। अगर कोई भी PSD ऐप ओपन करते हो ऐसे गाइड दिखे और कंट्रोल एच को प्रेस करके सभी गाइड को आप यहाँ से हटा सकते हो, तो जैसे कंट्रोल एच को प्रेस करोगे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 100 पे देखिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है गाइड में, ओके, न्यू गाइड्स फ्रॉम सेल, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये देखिए गाइड के सेप जो थे वो आ गए, ठीक है, गाइड के जो सेप थे वो आ गए, अभी तो मैं सभी गाइड को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, न्यू गाइड फॉर सेप, जैसे मान लीजिए एक ही इमेज है, ठीक है, इसको चिल्ड्रन को मैं हटा देता हूँ, अब एक ही इमेज है तो इसके जो सेप है उसमें गाइड आ जाएगी, ये देखना है, ये यहाँ से आ जाएगी टॉप लेफ्ट से, ठीक है, ये देखना है, मैं यहाँ से करता हूँ गाइड फ्रॉम सेप, ये देखिए आ चुकी है गाइड, ये देखिए, अब यहाँ से जाके फिर से इसको गाइड को सेप में देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी, ओके, ये ऐसे सेट आप कर सकते हो। तो व्यू मेन्यू में लॉक स्लाइस, तो उसको अगर आप समझ नहीं है उसको निकाल देते हैं, स्लाइस को पढ़ने में, ठीक है, तो ये था व्यू मेन्यू। तो आज के वीडियो में व्यू मेन्यू हमने
खत्म किया है, ठीक है। तो आपको मैं बार बार प्रैक्टिस करने की एडवाइस दूंगा कि प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।